जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो, आपकी जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उसके ऊपर क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या फिर अगर आप पैसा सेंड कर रहे हो एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज तक और आपको लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट को नहीं पता, तो सच्चाई यहाँ पे ये है कि अभी एक्सचेंजेस खुद पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट को दे रही हैं। और यहाँ पे वजीरेक्स ने खुद कंप्लायंस के बारे में सारी की सारी अपडेट दी है कि उन्होंने किस तरीके से सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को दी हैं। तो वजीरेक्स या फिर ज़ेप्पे की बात करें, जो मैंने आपको पिछले दिन आपको वीडियो दिया था जिसके ऊपर बताया था कि 500 रुपये का आपका या तो KYC का चार्ज लगेगा, 500 रुपये से KYC हो गया, और उसके बाद भी अगर आपने महीने में एक बार ट्रेड नहीं किया तो स्पॉट में पैसा रखने के लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो वीडियो आप जाकर चेक जरूर कर लेना, क्योंकि ज़ेप्पे के ऊपर पहले बता चुका हूँ, अगर आपका पैसा वहाँ पे पड़ा है तो अभी निकालने का मौका आ चुका है, सही मौका है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है कि वो विड्रॉल्स भी देना बंद कर दें। सिमिलरली मैं आपको आज वजीरेक्स के अपडेट देने वाला हूँ कि वजीरेक्स आपके लिए कितना के सिक्योर है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो ज़ेप्पे का थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ कि ज़ेप्पे के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ था कि ज़ेप्पे के ऊपर मैंने इथेरियम रखा हुआ था और इथेरियम में हर महीने ये 1 तारीख को पैसा काट रहे थे। इनका मानना ये था कि ये कुछ अमाउंट हर महीने काटेंगे अगर हम ट्रेड नहीं करते, यानी कि हम स्पॉट में पैसा नहीं रख सकते हैं, स्पॉट में अपने कोई भी एसेट नहीं रख सकते हैं, वरना इन्होंने हर महीने पैसा काटना ही काटना है। या तो वहाँ से काट लेंगे या फिर हमें बोलेंगे कि ज़बरदस्ती अपना पैसा लगा दो लैंडिंग में, या अगर लैंडिंग में नहीं लगाया तब भी पैसा कटेगा। दूसरा है कि जो चार्जेस बहुत ज़्यादा है, TDS बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 0.5% तो ट्रेडिंग फी लग रही है। अगर इतनी ज़्यादा फीस लगेगी, इसका मान लो कि TDS इतना लग रहा है उसका आधा ही लग रहा है, लगभग 1.5% चार्ज आपका कटेगा अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं। तो ये सब कुछ ज़ेप्पे के ऊपर हो रहा था, जिस कारण मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि क्यों मैंने अपना पैसा निकाला ज़ेप्पे से, यानी कि मैंने INR निकाले, मजबूर होकर ये सब कुछ निकालना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको KYC करनी पड़ेगी 500 रुपये की। तो इतना बड़ा अमाउंट, वो भी KYC करने का, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम बाकी एक्सचेंजेस भी यूज़ कर रहे हैं और किसी भी एक्सचेंज ने ऐसे नहीं बोला कि आपको पैसे देकर KYC करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि कोई बैंक भी ऐसा नहीं बोलता कि आप पैसे हमें दो और हम KYC आपका करके देंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कैसे ज़ेप्पे अभी लूट रहे हैं। अभी वजीरेक्स की बात कर रहे हैं, तो वजीरेक्स के ऊपर आपने भी शायद WRX कॉइन बाय किया होगा, होल्ड किया होगा, जब ये 50 रुपये, 100 रुपये, शायद 300-400 रुपये तक पहुंचा था तब आपने बाय किया होगा, तो अभी तक भी शायद उसका वैसा प्राइस मूव नहीं आया। और इसकी डिटेल्स क्या हैं वो मैं आपको पहले कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो अमाउंट पड़ा है जो कि बर्न किया जाना चाहिए, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सारे के सारे जो राउंड हैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इवन 13th एंड 14th भी अभी बन चुके हैं। मान लो कि टोटल 7 राउंड बन चुके हैं, यानी कि 7 बार बर्न होना बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो अमाउंट पड़ा है, यानी कि WRX जो पड़ा है, वो ज़्यादातर पड़ा है बाइनेंस के पास, उनके पास पूरा कंट्रोल है, कस्टडी उनके पास है, जिस कारण कभी भी बर्न नहीं हुआ और WRX के प्राइस में भी हम इंक्रीज़ नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि ये अभी 10 रुपये के आसपास रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड हो चुका है। तो वेट है तो सिर्फ बाइनेंस की कि कब वो अलाउ करेंगे, कब ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका सबसे पहले जो TDS कट रहा है, TDS से पता चल जाता है कि आप कितना ट्रेड कर रहे हो, कितने पे आपने बाइंग करी, कितने पे आपने सेलिंग करी, आपका प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये सारा का सारा डाटा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो वहाँ पे तो जाएगा जाएगा। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपका डिपॉजिट विड्रॉल का डाटा भी जाने वाला है गवर्नमेंट के पास। तो ये भी आप सबको शायद पता ही होगा। तीसरी चीज़ की बात करें, TDS भी कट रहा है, प्रॉफिट भी देना ज़रूरी है, और अभी ट्रेडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि एक्सचेंजेस को कमाई नहीं हो रही है कहीं से भी, कमाई ना होने की वजह से आपको यहाँ पे TDS देना ही पड़ेगा और फीस भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। चौथी चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है कि अगर आपने INR डिपॉजिट कर लिया वजीरेक्स के ऊपर, तो उसके बाद आप INR को विड्रॉल नहीं ले पाओगे, यानी कि विड्रॉल आपका पॉसिबल नहीं है INR में, अगर आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया, यानी कि एक बार पैसा डल गया फिर बाहर नहीं आने वाला, वो क्रिप्टो करेंसीज में ही रहने वाला है वही। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में डालते हो उसके ऊपर, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये चीज़ में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, आप वजीरेक्स की हमारी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़रूरी आपके साथ बताना, वो ये है कि अभी जैसे बाइनेंस अभी कंप्लायंस कर रहा है, जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके साथ कंप्लाई कर रहा है। कंप्लाई करने से क्या है कि उनको जो गवर्नमेंट है और भी ज़्यादा सपोर्ट करती, कहते हैं कि हाँ आप काम करो, खुल के करो, बस इतना है कि हमें डाटा प्रोवाइड करते रहना कि कौन कितना ट्रेड कर रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है इंडिया से बाहर कर रहा है, या फिर किसी भी कंट्री में यहाँ पर ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा।
और इन चीज़ों को देखते हुए बाइनेंस के ऊपर आपका पी टू पी के कारण कई बार प्रॉब्लम आई होगी, आपने कई सारे अकाउंट देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स के देखे होंगे, आपका खुद का भी शायद हुआ होगा, तो उसका कोई बहुत ईजी सोल्यूशन कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है लॉ की, लॉयर की, एडवोकेट इन्वॉल्व होगा तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए नीचे कमेंट जरूर कर देना। और यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ये हो चुका है कि वज़ीरेक्स भी अब पूरा सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी मांगती है डेटा तो वज़ीरेक्स प्रोवाइड करने वाला है। तो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अभी वज़ीरेक्स जब वो पूरा पूरा डाटा वैसे इकट्ठा तो इसीलिए कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को देने वाले हैं, जब भी गवर्नमेंट मांगेगी कि हाँ हमें इसका डेटा चाहिए, इस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए, ये जो ट्रेडर है बहुत बड़े ट्रेड्स लगा रहा है या फिर ये पैसा बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा है किसी और वॉलेट्स के ऊपर, किसी और एक्सचेंजेस के ऊपर, तो इसका भी डेटा चाहिए। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ है कि KYC वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने करवाई है कुछ लोगों की। यहाँ पे 236 रिक्वेस्ट आई थी 236 यूजर्स की और एजेंसीज की, जिसमें से 203 से भी ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की थी। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट अपना खुद का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी चला रहे हैं जो कि हमारी हर एक चीज़ को ट्रैक करते हैं। अगर आप पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, या फिर आप हिमाचल में हैं, ओडिशा में हैं, झारखंड में हैं, यूपी में हैं, बिहार में, कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हैं, वो आपका पूरा पूरा डाटा कभी भी चेक कर सकते हैं। तो 100% कंप्लायंस और सिक्योरिटी के कारण वज़ीरेक्स हमेशा इस चीज़ में ट्रस्ट बनाने के लिए अपने कस्टमर्स का डाटा शेयर करता है। अब इनका मानना तो ये है कि ये एक सेफ और ट्रस्टवर्दी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, लेकिन इससे सिक्योरिटी तो बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सारा का सारा डेटा, KYC करने का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो आपके पास ही रहने वाला है, आपका ही रहेगा, जो अमाउंट है वो आपका ही रहेगा। दूसरा मतलब ये होता है कि आपने अगर KYC करी है तो आपकी हर एक चीज़, जैसे कि पैन कार्ड के साथ लिंक्ड होती है, तो वैसे के वैसे हर एक चीज़ गवर्नमेंट के पास जाती है। अब यहाँ पे वज़ीरेक्स ने क्लियरली बताया कि पिछले महीने इन्होंने थर्ड पार्टी फोरेंसिक टूल्स का यूज़ किया मॉनिटर करने के लिए आइडेंटिटीज़ के लिए, यानी कि अगर आपकी आइडेंटिटी फेक है तो यहाँ पे वो मॉनिटर करके कभी भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो आइडेंटिटी रियल है या नहीं है, जिस कारण इन्होंने कई सारे KYC सबमिशंस को फिर से दोबारा रिव्यू किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़ेप्पे की तरह कि फिर से आपको बोल दे कि 500 रुपये दो और अपना एक नया KYC करवा लो, तो सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स को जो कि ऑथराइज यूजर्स हैं, जिन्होंने अपनी वैलिड आइडेंटिटी दी हुई है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, सिर्फ उन्हीं को एक्सचेंज के ऊपर ऑपरेट करने का मौका मिला है। और ऐसे ही आगे चल के भी कहीं ना कहीं चेक्स ऐसे होने वाले हैं जिससे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा मौका ट्रेड करने का जो कि कंप्लाई कर रहे हैं, जो कि अपनी प्रॉपर KYC कर रहे हैं। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लीगल मैटर्स में हमेशा साथ देने वाले गवर्नमेंट का, और 20 से 25 मिनट के अंदर इन्होंने हर एक जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी उन रिक्वेस्ट का आंसर भी दिया है। अब ऐसे कई सारे सस्पिशियस अकाउंट्स होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, तो उनके अकाउंट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है लगातार। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए वज़ीरेक्स जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास डेटा जा रहे हैं। एंड हाँ, WRX के अभी कोई भी चांसेस नहीं है कि इसका बर्न बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं का विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा यहाँ पे ये सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली है। अगर आपने डिपॉजिट करते तो विड्रॉ नहीं होगा, या फिर विड्रॉ नहीं होगा, P2P नहीं चलेगा, ऐसे कई सारे इन्होंने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं हर एक अपने एक्सचेंज ने, हर एक एक्सचेंज ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं। जैसे कि आपको ज़ेप्पे का बताया कि 500 रुपये की KYC है, या फिर हर एक महीने का पैसा आपका कटेगा ही कटेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ऑब्वियसली हर एक ट्रेडर यही चाहेगा कि वो कोई बेटर एक्सचेंज ढूंढे जहाँ इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, जैसे कि बाइनेंस है। तो आपका क्या मानना है, कौन सा एक्सचेंज आप यूज़ करते हो, क्या उसके ऊपर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी वज़ीरेक्स यूज़र्स हैं या फिर जो ज़ेप्पे को यूज़ करते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।